Assalamu alaikum. This is lecture 33 of Introduction to Psychology. In the last two lectures, we were talking about personality. As we said earlier, we'll continue with the assessment of personality in today's lecture. But before that, let's see what we discussed in the last lecture. We talked about trait theories of personality, learning theories of personality, humanistic approach to understanding personality. एंड बायोलॉजिकल अप्रोच टू पर्सनैलिटी जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट या असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे यानी पर्सनैलिटी या शख्सियत की पैमाइश किस तरह से की जा सकती है इस मकसद के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सी टेक्निक या बहुत से तरीके डिवाइस किए हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज डन ऑन थ्री बेसिस इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एंडल अट जिकल टेस्ट डेट कैन बी सेल्फ रिपोर्ट माइज एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी को जांचने के लिए महज टेस्ट इस्तेमाल नहीं किए जाते जैसा कि आम ख्याल पाया जाता है इसके लिए हम कम अज कम तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं और आइडियली इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक अच्छे रिजल्ट देने का बायस बनता है सबसे पहले हम देखते हैं कि असेसमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन क्या रोल अदा करती है हम किसी शख़्स को देखकर, उसको जांचकर, उसके बिहेवियर को देखते हुए और उसकी मुख्तलिफ हरकतों सकनाद को देखते हुए ये जान सकते हैं कि वह किस किस्म की शख्सियत का मालिक है इसके साथ साथ जो चीज़ हमने सबसे पहले कही थी इंटरव्यू बहुत अहम हैसियत रखता है किसी शख्स से फेस टू फेस सिचुएशन में बात करके उससे कुछ सवाल पूछ कर, उसके जवाब का जायजा लेकर और उनका अनिलसिस करके किसी हद तक हम जान सकते हैं कि उस शख्स की सोच क्या है उसकी आदत क्या है और उसके इतवार क्या है यानी वो किस किस्म की शख्सियत का मालिक है लेकिन जो चीज़ जिससे आप कॉमनली वाकिफ हैं और आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि वही शख्सियत की पैमाइश का बुनियादी ज़रिया है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनलिटी टेस्ट जैसे कि हमने कहा दो तरह के हो सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट मईस और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रिपोर्ट में से मुराद ऐसे मईस हैं या ऐसे टेस्ट हैं या ऐसे स्केल्स हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट या कोई शख्स शक्ष जिसकी शख्सियत को जांचा जाएगा वो अपने बारे में बयान देता है या सवालों के जवाब देता है इसकी आम मिसाल बहुत से ऑब्जेक्टिव स्केल या ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं या पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज हैं आइए देखते हैं कि इंटरव्यूज किस तरह से

इंटरव्यू गोया इंटरव्यू जो कि एक फेस टू फेस सिचुएशन है इसके बारे में दो तीन बातें ऐसी हैं जो हमारे में होनी चाहिए खास तौर पर अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पहली बात तो ये कि इंटरव्यू को और दूसरे तरीकों पर एज हासिल है क्योंकि इसमें इंटरव्यू लेने वाला ना सिर्फ सवालों के वर्बल जवाब पा रहा होता है इसके साथ साथ उसको नॉन वर्बल डेटा भी मुयसर होता है यानी जो शख्स इंटरव्यू दे रहा है वो तो क्या जेस्टर इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है आई कांटेक्ट कैसा है किस बात पर उसने माथे पर बल डाल लिए किस बात पर वो मुस्कुरा दिया ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें मुख्तफ नतज अखस करने में मदद करते हैं लेकिन ज़रूरी यह है कि इंटरव्यूअर अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो और उसने बार बार बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया हो और वो बहुत कम गलतियाँ इस तरह की करता हो जिसमें वो दूसरे के बिहेवियर को या उनके जेस्टर्स को नजरअंदाज कर देता हो इंटरव्यूज के बाद ऑब्जर्वेशन एक और जरिया है लोगों की शख्सियत के बारे में मालूम हासिल करने का बिहेवियरल असेसमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेजर फॉर स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हो जब हम शुरू के लेक्चर्स में रिसर्च मैथड की बात कर रहे थे तो हमने पर्सनैलिटी और दूसरे तरीकों के लिए हमने ऑब्ज़र्वेशन के इस्तेमाल का जिक्र किया था यानी किस तरह से मुख्तफ रिसर्च में ऑब्ज़र्वेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए डेटा कलेक्शन की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं असूलों को मद्दनज़र रखते हुए किसी शख्स की शख्सियत का जायजा ऑब्जर्वेशन की मदद से लिया जा सकता है उसको हम एक وقفے के लिए ऑब्जर्व करते हैं वो وقفہ कुछ घंटे भी हो सकता है कुछ दिन भी हो सकता है कुछ हफ्ते और कुछ महीने भी जो कि हफ्ते और महीने साइकोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है आम तौर पर खास सिचुएशंस चुन ली जाती हैं, खास टाइम ड्यूरेशन चुन ली जाती है और उसके दौरान उसको ऑब्जर्व किया जाता है और वो तमाम इंफॉर्मेशन उसी वक्त रिकॉर्ड कर ली जाती है लेकिन शख्सियत की पैमाइश का वो तरीका जिससे तकरीबन सब लोग वाकिफ हैं, और आम ख्याल है कि शख्सियत शायद उसी तरीके से मैं की जाती है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल साइक्लॉजिकल टेस्ट एक आम इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है जो की पर्सनैलिटी में बहुत मददगार साबित होता है आमतौर पर एक टेस्ट की बजाय बैटरी ऑफ टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं यानी एक से ज्यादा टेस्ट जो शख्सियत के मुख्तु पहलुओं की पैमाइश करते हो साइकोलॉजिकल टेस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिवली असेस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर स्टैंडर्ड मेजर्स आर डिस्ड दीज मेजर्स आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट

जो कि हम समझ रहे हैं कि वो मेजर करेगा जिस चीज के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उसी की मेजरमेंट करे ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हो कि ये टेस्ट पर्सनैलिटी मेजर कर रहा है लेकिन दरअसल वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहा हो इसके साथ साथ अ टेस्ट एंड अ गुड टेस्ट रिलायबल यानी जब हम उसको एक से ज्यादा दफा उसी शख्स को वो दें तो वो शख्स वैसा ही जाहिर हो जैसा कि पहली दफा जाहिर हुआ था रिजल्ट उसके पहली दफा मिले थे दूसरी दफा या चौथी दफा भी उसी तरह के एरर। ह्यूमन एरर हो सकता है इंसान बदलते रहते हैं हालात का इसलिए थोड़ी बहुत तब्दीली शायद पॉसिबल है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली दफा आप एक फ्रेंडली शख्स जाहिर हुए थे उस टेस्ट की बुनियाद पर और दूसरी दफा एक शदीद किस्म के एग्रेसिव इंसान तीसरी खसूसियत या तीसरी रिक्वायरमेंट किसी टेस्ट के लिए यह है कि उसको किसी तरह के नॉम्स पर बेस होना चाहिए यानी उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन से मुराद ये है कि टेस्ट बहुत से लोगों को दिया जाए एक बड़े ग्रुप को और उसके बाद देखा जाए कि वो ग्रुप उसके ऊपर कैसे परफॉर्म करता है और उसकी कुछ एवरेज डिटर्मिन की जाए ताकि जब कोई और शख्स वो टेस्ट दे तो उसको उस स्टैंडर्ड या उस नॉर्म या उस एवरेज के साथ कम्पेयर किया जा सके आइए हम देखते हैं कि कुछ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पर्सनैलिटी टेस्ट कौन से हैं यूँ तो बहुत से टेस्ट हमें अवेलेबल हैं और मख्तल मौक़ों पर मुख्तफ मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस वक्त हम चंद बड़े बड़े टेस्ट का कर जिक्र करेंगे जो कि खसूसियत से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं और उनकी यूटिलिटी और उनकी यूजफुलनेस बहुत कम क्वेश्चनेबल पाई गई है और उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे और हकीकत से करीब तक पाए गए हैं और प्रोडिक्शन के लिए उनकी काफी अफादियत देखी गई है सेल्फ रिपोर्ट मैर्स मैर्स वेयर इन द दब्जेक्ट आर अबाउट ऑफ देयर बिहेवियर जैसा कि हमने पहले कहा था सेल्फ रिपोर्ट मैर्स में सब्जेक्ट को कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल उसकी पर्सनलिटी के किसी एक या मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हो सकते हैं और वो उन सवाल के जवाब देता है तौर पे ये टेस्ट पेपर और पेंसिल टेस्ट होते हैं जुबानी करने की जरूरत नहीं होती हाँ अगर कोई शख्स पढ़ लिख नहीं सकता तो उसके साथ इनको इंटरव्यू की सूरत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है सबसे ज्यादा आम और इस्तेमाल होने वाला और काफी वसीफियत रखने वाला ऐसा एक टेस्ट एम है एम और मेनिस मल्टी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी

हमारे मुल्क में भी इसका उर्दू तर्जमा किया जा चुका है और इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद देखा गया कि इसको और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रडिक्शन में ये काफी मददगार साबित हो सकता है इट कैन आइडेंटिफाई टेंडेंसीज लाइक डिप्रेशन डिस्टीरिया पेरानोयानिया फॉर एग्जाम्पल बहुत से मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेसेस को एम की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये एक तवील टेस्ट है और इसको एडमिनिस्टर करने में और इसको हल करने में बहुत वक्त लगता है इसलिए बज दफ़ा इसके कुछ सेक्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन बेहतर यही होगा कि इसको पूरा इस्तेमाल किया जाए लेकिन जैसे कि हमने भी कहा था ये सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन टू प्रोडक्ट इफ कॉलेज एंड गेट एन एडवास्ड डिग्री ये सिर्फ़ एक मिसाल है कुछ रिसर्चर्स ने इसको इस तरह के मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया और देखा कि हाँ इसने प्रडिक्शन में मदद दी जिन लोगों के बारे में रिसर्चर का ख्याल था कि फ़ल से तक शादी कर लेंगे उन्होंने की जिनके बारे में ख्याल था नहीं कर सकते उन्होंने नहीं की जिनके बारे में ख्याल था कि वो डिग्री एडवांस हासिल कर लेंगे उन्होंने की और जो उनके ख्याल में एडवांस डिग्री हासिल ना करने वाले थे उनमें से बहुत सुने वाकई डिग्री हासिल नहीं की प्रोजेक्टिव टेस्ट और टेक्निक्स, इन द सब्जेक्ट टेक्निकोन एंड इट और सब्जेक्ट को बर रास्त कागज और कलम की मदद से सवालों के जवाब नहीं देने होते इसमें पेश किए जाने वाला stimulus, होता है या वेग या यूं कह लीजिए अनक्लियर देखने में आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि इसका क्या मकसद है ये क्या चीज़ है उसकी कोई बाजि शकल नहीं होती कोई भी शख्स उसको अपने जहन के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी समझ सकता है इस तरह के टेस्ट की बुनियाद बेसिकली फ्रॉइडियन अप्रोच पर है जहाँ पे अनकॉन्शियस का एक रोल है और ख्याल किया जाता है कि हमारे अक्सर मसायल की जड़ अनकॉन्शस में पाई जाती है इस बुनियादी तस्वर को जहन में रखते हुए इस तरह के एम्बिगस स्टमलाए तरतीब दिए गए और बनाए गए जिनको देख कर सब्जेक्ट से कहा जाता है कि वो बताए कि इनमें उसको क्या दिखाई देता है और बुनियादी ख्याल यही है कि जो उस शख्स के जहन में होगा जो उसके अनकॉन्शियस में होगा वही वो, वो उस तस्वीर में उस शक्ल में या उस स्टमस में प्रसीव करेगा इस वक्त हम दो बड़े प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या टेस्ट की बात करेंगे The most famous and frequently used projective tests are Rorschach test and TAT or Thematic Apperception Test. Rorschach test The test consists of ink blot presses. These have no definite shape. The shapes are symmetrical and are presented to the subject on separate cards. Some cards are black and white and some colored. Rorschach test हमन रोशफ ने डवेलप किया शुरू में इसकी बुनियाद इस तरह से बनी कि कुछ इंक ब्लॉट्स को कागज़ दोहरा करके उनमें डाला गया और उसको प्रेस किया गया जैसे कि अक्सर बच्चे शक्लें बनाते हैं प्रेस करने के बाद उस कागज को खोला गया जिसमें इंक फैल चुकी थी और उसने एक की शक्ल इख्तियार कर ली थी इसी तरह की बहुत सी फॉर्म्स बनाई गई और उनको लोगों की शख्सियत की पैमाइश करने के लिए एक प्रोजेक्टिव टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल किया गया टेस्ट में बहुत से कार्ड्स हैं उनके ऊपर इंक प्लॉट मौजूद हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हैं और कुछ रंगीन सब्जेक्ट को वो कार्ड्स दिखाई दिखाए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि उनको देखकर रिस्पॉन्ड करे कि वो उसमें क्या देखता है जैसे कि पहले कहा समझा यही जाता है कि वो वही देखेगा जो कि उसके अनकॉन्शियस में होगा आइए देखते हैं कि ये टेस्ट किस तरह के ब्लॉट्स पर मुश्तमिल है Look something like this. Procedure of Rosch administration: the subject is shown the stimulus card and then asked as to what the figures represent to them. The responses are recorded. Using a complex set of clinical judgments, the subjects are classified into different personality types. The skill and the clinical judgment of the psychologist or the examiner are very important. रोशक टेस्ट को एडमिनिस्टर करना मुश्किल नहीं है कुछ वक्त लग जाता है कुछ सूरतों में ज़्यादा टाइम लगता है कुछ में कम टाइम लगता है लेकिन असल मरहला और असल आजमाइश साइकोलॉजिस्ट की उस वक्त होती है जब उसका अनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है इसको इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत से पैमाने दिए गए हैं बहुत से हैं जिनके तहत ये इंटरप्रिटेशन की जाती है यहाँ पे हम उनके बारे में ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम साइकोमीट्रिक्स की बात नहीं कर रहे सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहे हैं कि टेस्ट कैसा है इसके अलावा हम आपको असल टेस्ट की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो अनएिकल होगा ये तस्वीरें आप सिर्फ उसी वक्त देख सकते हैं जब आप किसी पर यह टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हों या आप पर यह टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा हो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और टी ए A series of ambiguous pictures is shown to the subject who has to write a story. This story is considered as a reflection of the subject's personality. The subject is asked to describe whatever is happening in it just like forming a story. The subject has to tell what is happening in the scene, what the antecedent conditions were, who the characters are, what are their thoughts and wishes,

और जब ये वाक्य खत्म होगा या ये सीन गुजरेगा तो क्या होगा इंटेसिडेंट क्या थे कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे इसमें दिखाई दिए जाने, जाने वाले कैरेक्टर्स कौन से हैं और उनकी ख्वाहिशा क्या है वो क्या महसूस कर रहे हैं ये सब कुछ वो एक कहानी की सूरत में बयान करता है टी ए टी पिक्चर्स लुक समथिंग लाइक दिस ये तस्वीर जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी ये एक्चुअल टी की तस्वीर नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती तस्वीरें उसमें पाई जाती हैं। जैसा कि अभी बताया था हम असल तस्वीरें या टेस्ट के असल आइटम्स यहां पे आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एथिकली गलत होगा टेस्ट उसी वक्त दिखाया जाता है जब वो एडमिनिस्टर हो रहा हो या किया जा रहा हो यहां तक तो थी पर्सनैलिटी असमेंट की बात अब हम एक नए मौजू को शुरू करेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी

बाजुकात कोई फोन नंबर जल्दी याद कर लेता है तो हम कहते हैं कि बड़ा जहीन है या कोई बच्चा बहुत अच्छी नज़में सुनाता है तो आप कहते हैं बड़ा जहीन बच्चा है या कोई औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है तो आप कहते हैं बहुत जहीन है कोई मैथमेटिक्स में टॉप करता है तो भी हम कहते हैं है. आखिर जहानत है क्या हैज समलिजेंट और नॉट हाउ कैन वी मेजरिजेंसन ये और इस तरह के और कई सवाल हमारे में आते हैं और कई दफा हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और बात उनको नजरअंदाज कर देते हैं इसके अलावा भी बहुत से सवाल हमारे सामने पेश आ सकते हैं और अगर वो पेश नहीं आए तो आप उन पर जरूर गौर कीजिए देर कैन बी अदर क्वेश्चन टू वॉट इज इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस हाउन विद अदर्स और इज इंटेलिजेंस

डिफरेंट पीपल में अंडरस्टेंड इंटेलिजेंस डिफरेंटली मुख्तफ लोगों के लिए इंटेलिजेंस एक मख्तल चीज़ हो सकती है एक कार्टर के लिए लकड़ी से बहुत खूबसूरत चीज़ बनाना जहानत की निशानी हो सकती है एक पेंटर के लिए एक शानदार पीस ऑफ आर्ट पेंट करना इंटेलिजेंस होगी शायर के लिए उसकी शायरी की खूबसूरती इंटेलिजेंस है मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा मेकअप करना इंटेलिजेंस है और स्कूल टीचर के लिए बच्चे की टेस्ट परफॉर्मेंस उसकी इंटेलिजेंस की निशानी है इफ यू थिंक इंटेलिजेंस इज ऑल ऑफ दिस और इवन मोर देन दैट देन यू आर राइट आइए अब हम देखते हैं कि मुख्त साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को किस तरह से बयान करते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन देते हैं सबसे पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन पाई जाती है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू फेलमैन इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड Think rationally and use resources effectively when faced with challenges. Intelligence is an all encompassing concept. It is not restricted to just one aspect of one's life or to just one faculty or ability. Part of intelligence is inherited and part of it is learned. So intelligence kisi faculty ability Uski ka intelligence refers to the ability to adapt to reason to solve problems, and think in an abstract manner. It also includes learning and experiencing new things and understanding from the past experience. Intelligence or the intellectual ability of a person is based upon a constant and ongoing interaction between.

हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं हम पिछले एक्सपीरियंस से हासिल शुदा मालूम की बुनियाद पर प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में किस तरह से फैसले करते हैं कैसे सोचते हैं चीज़ों की अदम मौजूदगी में एब्सटेक्ट लेवल पर हम उनको कैसे डील करते हैं मिसाल के तौर पर पर्जब्रा में जबकि हमारे सामने कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती हम उसको मैंटली मेनिपुलेट करते हैं मैंटली सोल्व करते हैं कुछ लोगों ख्याल में इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर हमारे जीन्स के ज़रिए हम तक मुंतकिल होती है जबकि कुछ लोगों के ख्याल में हमारा माहौल एक अहम रोल अदा करता है क्योंकि अगर माहौल का कोई किरदार ना हो तो तालीम और ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार हो और अगर सिर्फ जीन ही सब कुछ हो तो फिर सभी बहन भाइयों को एक जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए और अगर जीन ही सब कुछ हो तो फिर आइडेंटिकल ट्वेंस की इंटेलिजेंस बिल्कुल एक सी होनी चाहिए अक्सर देखा गया है कि इनमें कुछ इख्त पाए जाते हैं डिवेलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस साइकोलॉजिस्ट द डेवेलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू स्टडीज इट इज नाउ एविडेंट दैट इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन अ एंड स्ट्रेट फैशन इट कम्स इन इंटरमीट बर्स्ट एंड द पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंसान की इंटेलिजेंस किसी एक दिन किसी एक ज़माने में किसी जिंदगी के एक स्टेज पर या एक मरले पर अचानक डेवलप नहीं होती एक तो ये कि वक् वक्फफ़े वक्फे के साथ डेवलप होती है ये एक मुस्किल सिलसिला है इसमें बाज़ोकात ये सिलसिला रुक जाता है और फिर एकदम बर्स्ट और स्पर्ड्स की सूरत में इंटेलिजेंस डेवलप करती है हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एक ख़ास तरतीब है एक ख़ास सीकुनस है जिसमें इंटेलिजेंस पैदा होती है और आगे बढ़ती है The physiology of intelligence. In early times, Greeks believed that the soul dwelt in the brain of the person and intellect is somewhere in the lungs. This belief prevailed even till the 18th century. Recent research has revealed that the flow of blood in the lateral prefrontal cortex of the brain is most when an individual indulges in solving some kind of puzzles. Another finding revealed ट इन द एल्डरली पीपल द फ्लो ऑफ ब्लड इज मच लेस इन द ए एरियाज देट आर कंसर्न विद अलर्टनेस एंड मेमोरी एज कंपेयर टू द अदर एरिया हम देखते हैं और जो कि रिसर्च ने हमें जाहिर किया है वो ये कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक हमारे दिमाग के कुछ मखसूस हिस्सों के साथ है हम जब पजल सॉल्व करते हैं या किसी की कि तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होते हैं तो दिमाग के उन हिस्सों में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और ये भी देखा गया है कि बड़ी उम्र के लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा मसरूफ नहीं होते और ज्यादा अलर्टनेस उनमें नहीं होती उनमें टू हेमस्फियर ऑफ द ब्रेन द लेफ्ट एंड एनॉलिटिकल फंक्शनिंग एंड लैंग राइट हेमस्फियर इज मोर इन्वॉल्व वाइल्ड डूंगल एंड स्पेशल सो दिमाग के दोनों हेमसफेयर अपना अपना किरदार अदा करते हैं और जहानत के कुछ पहलू जैसे कि जुबान और इस तरह की और चीजें दिमाग का एक हेमिसफेयर कंट्रोल करता है जबकि बाकी के फंक्शन जो कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है वो दिमाग का दूसरा हेमस्फेयर परफॉर्म करता है हमने ये देखा कि मुख्त लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तलि तरीक़ों से मुख्तफ एंगल से रिसर्च की कुछ लोग माहौल की बात कर रहे हैं कुछ लोग वर्षे किया जीन्स की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ कुछ लोग फ़िज़ोलॉजिकल बेस की बात कर रहे हैं कि जहानत जो तो है फिजोलॉजिकली बायोलॉजिकली बेस्ड है बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इस सिलसिले में अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए और आज हमारे सामने बहुत सी ऐसी थेरीज़ है जिनको हम इंटेलिजेंस के बारे में नफस्यात दानों की थेरीज कह सकते हैं उनमें से हम कुछ सिग्निफिकेंट और ज्यादातर कोट की जाने वाली थेरीज का जिक्र अभी आपके साथ करेंगे आइए अब हम थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं थेरीज बिल्कुल जैसे किसी भी और फनामन के बारे में थेरीज पाई जाती हैं इसी तरह से इंटेलिजेंस के बारे में भी थेरीज मौजूद है यानी इंटेलिजेंस क्या है किस तरह से पैदा होती है इस पर कौन से फैक्टर्स अपना असरअंदाज होते हैं इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या इंटेलिजेंस एक फिक्स चीज है एक फिक्स एंटिटी है क्या हम एक खास मकदार में इंटेलिजेंस लेकर पैदा होते हैं या ये बढ़ती है या घटती है या बेहतर या बदतर हो सकती है थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस थियरीज और व्यू पॉइंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दीज इंक्लूड साइकोमीट्रिक अप्रोचेस डेटा यूज टू मेजर इंटेलिजेंस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली जहाँ पर इंटेलिजेंस की बात होगी वहां पर सबसे पहले एक नाम का जिक्र होगा और वो है सर फ्रांसिस गॉल्टन इसलिए नहीं कि आज हमारे पास जो मेंटल टेस्ट है या आईक्यू टेस्ट है या जहानत के बारे में जो थेरीज है वो सबकी सब इन्होंने पेश की थी मगर इसलिए कि उन लोगों में से थे जिन्होंने जहानत पर मॉडर्न काम को इनिशियट किया इनके काम को बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया उसमें तब्दीलियां भी लाई गई मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके काम ने मॉडर्न तहकीक की बुनियाद डाली सर फ्रांसिस गॉल्टन, कजन ऑफ चार्ल्स डार्विन, ही वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ जीनस एंड ही हिमसेल्फ वाज़ ए जीनियस है जोग्राफर म्यूटोरोलॉजिस्ट ट्रॉपिकल एक्सप्लोर

आगाज होता है उस थ्योरी का जो कि उन्होंने पेश की क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ऐसी थी वो एक जीनेसिस की फैमिली से ताल्लुक रखते थे खुद बहुत ज्यादा आईक्यू रखते थे यहां से उनमें यह ख्याल आया कि किस तरह से बहुत से जीनेसिस आपस में रिलेटेड होते हैं और किस तरह से जहानत को अगली जनरेशन तक फैलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस गॉल्टन Gifted individuals tended to come from families which had other gifted individuals. He went on to analyze biographical dictionaries and encyclopedias and became convinced that talent in science, the professions and the arts ran in families. His was the first systematic attempt to measure intelligence by investigating the role of heredity and its impact on intellectual abilities. फर्दर अटैप्टू मेजर ह्यूमन ट्रेट क्वानी इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरेटी इन इट फॉर दिस ही यूज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड मैंटल इमेजरी तो गॉल्टन के ख्याल में जब उसने ये देखा कि हर फैमिली जिसमें अहम लोग पाए जाते थे अहम इन्वेंटर्स थे अहम राइटर्स थे या पोइट्स थे या माह नफस्यात थे या फजिशंस थे देखा गया तो उस फैमिली में एक से ज्यादा लोग नुमाया हैसियत रखने वाले थे यहां से उन्होंने ये सोचा कि जीनियस या गिफ्टेडनेस जो है वो तो फैमिलीज़ में रन करती है और एक दूसरे से ऐसे लोग रिलेटेड होते हैं गॉल्टन आर्ग्यूड दैट इट वुड बी क्वाइट प्रैक्टिकेबल टू प्रोड्यूस रेस ऑफ मैन बाई जुडिशियस मैरिजेस ड्यूरिंग सेवरल कंजेक्टिव जनरेशन यानि अगर हम बहुत सी जनरेशन्स तक सिर्फ जहीन लोगों की शादी आपस में करवाएं तो हम यकीन ऐसी जेनरेशन पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे जिनमें सिर्फ जहीन लोग होंगे इसके साथ साथ उन्होंने यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी दिया यूजनिक्स द स्टडी ऑफ द एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल दैट मे इम्प्रूव और रिपेयर द रेशअल क्वालिटीज ऑफ फ्यूचर जेनरेश फिजिकली और मेंटली

जो कुछ हम सोच रहे थे वाकई में वो सच है लेकिन उसके बहुत से मन असर भी हुए और इस थे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मकासन प्रोग्राम एंड अदर एक्ट्स ऑफ विदहोल्डिंग ह्यूमन राइट फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप गॉल्टन की तरह के अर्ली थिंकर्स में एक और नाम जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया वो है जेम्स मकेन कैटल का जेम्स मकेन कैटल American psychologist, who gave more importance to the mental processes, he was first ever to use the term "mental test for devices used to measure intelligence. He developed tasks that were aimed to measure reaction time, word association test, keenness of vision, and weight discrimination. These tests were proved to be a failure as they were not comprehensive and complex enough to measure intelligence. for mental test is इसके साथ साथ उन्होंने इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए कुछ टेस्ट भी बनाए लेकिन वो टेस्ट बहुत ज्यादा साबित नहीं हुए क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस के तमाम तरफ पहलुओं का या बल्कि यूं कह लीजिए पहलुओं का अहाता नहीं किया गया था और उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता था यही वजह थी कि उसके बाद और लोगों ने भी इसके बारे में अपना काम पेश किया साइकोमीट्रिक अप्रोचेस स्पेयरमैन थे ऑफ इंटेलिजेंस ब्रिटिश साइकोलोजिस्ट

और जब उसको दूसरा टेस्ट दिया जाता है तो वह उस पर भी एक अच्छा स्कोर लेता है इसी तरह से जो लोग एक टेस्ट पर बुरा परफॉर्म करते हैं वो किसी और टेस्ट पर और दूसरे बाकी के टेस्टों पर भी बुरा ही परफॉर्म करते हैं कहने का मकसद ये था कि इंटेलिजेंस और एबिलिटी जो है एक इंटर रिलेटेड चीज़ है जो लोग जहीन होते हैं वो अक्सर चीज़ों में या यूं कह लीजिए कि तमाम तर चीज़ों में अपनी जहानत की कुछ ना कुछ नुमाइश या कुछ ना कुछ उसका मुजाहरा करते हैं और जो लोग जहीन नहीं होते वो किसी भी चीज में बहुत अच्छे मैार का मुजाहरा नहीं कर सकते ही डिवेलपल टेक्निकोन एज फैक्टर फॉर द इंडिविजल डिज जैसे कि उन्होंने अपने टेस्टों की मदद से देखा और अपने रिसर्च में देखा हम जहीन और कम जहीन या गैर जहीन लोगों में तमीज कर सकते हैं और जब उसको मजीद जायजा लिया गया और मजीद एनालिसिस किया गया तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की मदद से जिसका हम पहले एक दफा जिक्र कर चुके हैं दो फैक्टर्स दरियाफ्त किए और उनको बताया कि ये हमारी जहानत की नुमाइंदगी करते हैं द फर्स्ट वन ही नेम्ड एज जी फैक्टर और जनरल इंटेलिजेंस एंड द अदर एज एस फैक्टर और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आप नाम से अंदाजा कर सकते हैं जनरल फैक्टर क्या होगा और स्पेसिफिक फैक्टर क्या होगा जनरल इंटेलिजेंस क्या होगी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या होगी अकॉर्डिंग टू in जी people, कॉमन इन ऑल पीपल mental ऑब्जर्व फ्रॉम द मेंटल टेस्ट एस फैक्टर कैन अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक एबिलिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल एंड tests डिफरेंट टेस्ट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर people. फ्रॉम पीपल his followers. टेंस टू द जी फैक्टर्स एंड सजेस्टेड दैट जी मेजर द मैंटल पावर और मैंटल एनर्जी चुनाचे इस थेरी के मुताबिक जहानत का कुछ हिस्सा जनरल है यानी कि मुख्त पहलुओं में जिंदगी में हमें दिखाई देता है किसी शख्स के बिहेवियर के या उसकी पर्सनैलिटी के एक पहलू तक महदूद नहीं होता जबकि स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो ख़ास तरह की सलाहियतों या अबिलिटीज़ के लिए महदूद है थॉर्न डाइक्स Theory Social Intelligence. According to Thorndike, intelligence and abilities are in the series. He criticized Spearman on the fact that correlation, which he studied, was not enough to define and explain intelligence. He disagreed with Spearman, arguing that instead of only one G factor, there are a number of factors that make and influence intelligence. Factors that cannot generally be found out but that are expressed in human actions so thondai ke hal mein mehz g factor par the karna durust hai unke khayal intelligence ek se factors par mushtamil hai he divided intelligence into three main divisions social intelligence that is one's ability to understand and manage relationships abstract intelligence that is one's ability to understand and manage ideas, for example mathematics, algebra or abstract concepts. Concrete intelligence, that is one's ability to manage concrete and mechanical concepts and ideas. For example, economics, architecture, banking, etc. So Udone, Zindigi Muchlif Pelude, कि हमारी मुख्तरह की एबिलिटीज़ हैं जो मुख्तु तरह की सूरतों में मुख्त तरह की सिचुएशन में मुख्तेशन में हमारी मददगार होती हैं मगर सिलसिला यहीं पर रुका नहीं और भी बहुत से लोगों ने अपनी थेरीज पेश कि और अबिलिटीज को और फैक्टर्स को और जहानत को मज़द कई एंगल से स्टडी किया सर्वस्टेंस थेजेंस प्राइमरी मैंटल एबिलिटीज An American psychologist, Louis Thurston, believed that intelligence is not a general factor, but it is composed of small independent factors or elements which he named as primary mental ability. For the identification and verification of these abilities, Thurston and his wife prepared a set of 56 tests which they administered to 240 college students and analyzed the results through factor analysis. तो थर्स्टन मेंटल एबिलिटीज में बिलीव करते थे इसको जांचने के लिए उन्होंने टेस्ट बनाया और बहुत से आइटम्स उसमें डाले और इन टेस्ट को और इन आइटम्स को उन्होंने स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप पर एडमिस्टर किया इसके नतीजे में उन्हें मेंटल एबिलिटीज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलगी जो वो चाहते थे फ्रॉम दिस ही प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन An ability to understand and define words. Two, word fluency. An ability or speed of thinking of verbal material such as rhyming or naming words in a given category. Spatial visualization. Ability to recognize and manipulate objects or things in three dimensions such as drafting and blueprint reading. Four, perceptual speed. An ability to quickly perceive and detect the visual details and differentiate between the similarities and differences between designs. Five, reasoning, inductive reasoning, a logical ability of deriving general ideas from specific information. Six, numbers or arithmetic ability, capability of doing work easily on numbers, such as doing simple arithmetic tasks fast and rapidly. Seven मेमोरी एन अबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग एंड एंड एसोसिएटर यहाँ ये तमाम तफसी बताने का मकसद एक तो आपको इंफॉर्मेशन देना है दूसरी तरफ ये एहसास दिलाना भी है कि जब कोई थेरिस्ट एक खास एंगल से किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उसकी मेजरमेंट भी उसी हवाले से करेगा अगर आप फैक्टर्स की बात करें हैं तो आप टेस्ट जो कि जहानत के लिए बनाए गए हैं उनको उसी तरह से डिजाइन करेंगे अगर आप एबिलिटीज की बात कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये एबिलिटीज एक तरह की अम्ब्रेला एबिलिटीज़ हैं यानी एक अबिलिटी का नाम है लेकिन उसके नीचे बहुत सी सब कैटेगरीज या सब एबिलिटीज पाई जाती हैं तो जो टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाया जाएगा उसमें वो Abilities or subabilities subcategories Shamil hongi. R. B. RP Kettle and J. L. Horn's theory of crystalline and fluid intelligence. Given by American psychologists Raymond Cattle and John Horn in 1960s, in which they applied different forms of factor analysis and came up with two kinds of intelligence: crystalline intelligence and fluid intelligence. ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस आर कंसेप्चुअलीजेंस हमने शुरू में एक लेक्चर में आपसे फैक्टर एनालिसिस की बात की थी जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे कि कुछ थे ने पर्सनैलिटी थेरीज को फैक्टर एनालिसिस की बुनियाद पर प्रजेंट किया कैटल की थेरी भी ऐसी ही एक थेरी है जिसने स्टेटिस्कल प्रोसीजर यानि फैक्टर अनैलिसिस को बुनियाद बनाया गया मुख्तु लोगों पर रिसर्च की गई और फिर उनकी एबिलिटीज़ को उनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंटेलिजेंस को दो फैक्टर्स की सूरत में या उनकी टर्म्स में बयान किया जा सकता है इंटेलिजेंस क्रिस्टलिन इंटेलिजेंस भी हो सकती है और फ्लूड भी क्रिस्टलिन इंटेलिजेंस is the capability of using information that has been learned. This type of intelligence is largely influenced by education and culture. It keeps on increasing with the learning experiences of a person, such as vocabulary, knowledge of a teacher. Fluid intelligence is largely influenced by biological factors. It is the capability of solving novel problems, which depends more on the न्यूरोलॉजिकल डिवेलपमेंट ऑफ अ पर्सन सच एज रीजनिंग एंड मेमरी विच डिक्लाइन विथ एज सो एक तरह की इंटेलिजेंस वो है जिस पर माहौल अपना असर डालता है और वो पहले से बेहतर हो सकती है बढ़ सकती है फैल सकती है और एक वो है जो कि बायोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली डिटर्मेंट है और जो एक तरह से फिक्स होती है और वक्त के साथ उसमें डिटीरियरेशन आती जाती है फ्लूड इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है क्रिस्टलिन वर्क के साथ और एक्सपीरियंस के साथ तब्दील होती है और बेहतर हो सकती है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू विच इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेशन कॉन्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यानी गिल्फ की थे मुताबिक इंटेलिजेंस में और हमारे इंटेलिजेंस इन्हीं कॉम्पोनेंट्स की इंटरक्शन और इनके एक दूसरे साथ मिलके होने वाले ऑपरेशन का नाम है ही बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फिनमोन दैट वन थिंक्स ऑफ इट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इट एज अक्टर और इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ही डेवेलप्ड अवबशेप्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस

It includes visual contents, auditory content, symbolic, semantic, behavioral content. The third aspect or the third part consists of the products, the results obtained by applying certain operations to certain contents or the ability of thinking in a certain manner about a certain thing. Products include units and classes with relations and systems, transformation. एंड एम्प्लीकेशन आज के लेक्चर में हमने कुछ थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात की अभी हम कुछ और थेरीज के बारे में बात करेंगे लेकिन वो अगले लेक्चर में हमारा ये लेक्चर या हमारा ये मौजू इंटेलिजेंस की थेरीज या इंटेलिजेंस के बारे में किसी भरपूर आ, बहस के लिए काफ़ी नहीं है अगर आप इन थीरीज के बारे में या इंटेलिजेंस के बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और आपको इससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छी बहुत मुफीद बहुत आसान और सादा मालूम मज़ीद भी मिल सकती है खासतौर तो पर अगर कोई इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हो अगले लेक्चर में हम कुछ और थेरीज की बात करेंगे इसके साथ साथ हम उस मौजू की बात करेंगे जिसके आप शायद मुंतजर हों यानि ये कि जहानत की पैमाइश किस तरह से की जाती है हाउ डू वी मेजर इंटेलिजेंस और आई क्यू क्या है एक लफ्ज जो हम अक्सर सुनते हैं और हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ये सब कुछ अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज